हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेगा माइंड अकेडमी। बच्चों, हम क्लास टेंथ का एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर का है, और इसमें जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें दिया गया है कि सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों, देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को इसको यूज करते हुए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमें दिया गया बच्चों, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बच्चों पढ़ रहे होंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे आपने किया है, थोड़ा बहुत अगर आइडिया नहीं तो मैं बताना चाहूंगा। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलूं और बच्चों इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दूं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि किसी एक इक्वेशन से आप क्या करो, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालो, और जिस इक्वेशन से निकालो उसकी वैल्यू दूसरी बची इक्वेशन में रखो जाके। सपोज करो आपने पहली इक्वेशन से अगर एक्स की या वाई की वैल्यू निकाली, तो उस एक्स वाई की वैल्यू को किस में रखना बच्चों, सेकेंड इक्वेशन रखना। अगर सेकेंड से निकालते तो फर्स्ट में, लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, हम उस इक्वेशन से हमेशा वैल्यू निकालेंगे जहां से हमें निकालने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम अगर देखें तो पहली इक्वेशन का रूप बहुत अच्छा है, हमेशा ध्यान रखो पहला रूप ये कि अगर इक्वल में जीरो चल रहा हो जिस इक्वेशन से, वहीं से सब्स्टिट्यूशन पहले करना, वहां से जल्दी से हमें आंसर निकलता है। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी लिखा है, तो अगर मैं y अपॉन b को उस तरफ भेज दूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, x अपॉन a इक्वल टू y अपॉन b मिल जाएगा। अब अगर मैं कहूं x की वैल्यू निकालो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, y और a जो इधर लिखा है बच्चों डिवाइड में उस तरफ जाएगा, a मल्टीप्लाई में डिवाइड में b लिखा है, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली बच्चों, x इक्वल टू a अपॉन b मिल गया। बच्चों x की वैल्यू क्या मिली, x इक्वल टू a अपॉन b। फिर से देखो, मैंने पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली, मैंने पहले इक्वेशन में y अपॉन b को उस तरफ भेज दिया, तो x अपॉन a इक्वल टू y अपॉन b मिला। x वैल्यू निकालने के लिए a को उधर भेजना था, तो मैंने x इक्वल टू क्या निकाला, a का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड में था, तो a अपॉन b इक्वल टू y आ गई। हमारा एक काम हो गया, सब्स्टिट्यूट करने के लिए वैल्यू हमें मिल चुकी है, कौन सी वैल्यू मिली, x की। अगर आपने x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट निकाली है बच्चों, अगर आपने x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट निकाली है, तो इस वैल्यू को रखना किसमें होगा, फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में रखो। तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, आप लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। आप इस स्टेटमेंट को लिखना जरूर है, क्या लिखेंगे बच्चों, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड में रखना, फर्स्ट से निकाला है इसको बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दे रहे हैं। तो मैं जब इसकी वैल्यू सेकंड में रखने जाऊंगा, तो जहां पे एक्स वहीं पे रखेंगे, यहां पे लिखा ए, तो लिखेंगे फ्रॉम सेकंड वी गेट, क्या मिला बच्चों, देखिए ए की वैल्यू रखना, ए की वैल्यू नहीं एक्स की वैल्यू रखेंगे, ए तो लिखा है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे, ए अपॉन में बी वाई प्लस, और क्या लिखा बच्चों, बी वाई इक्वल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए का ए में मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या मिला, ए स्क्वायर अपॉन में बी वाई प्लस का बी वाई इक्वल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो जरा मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो b अपॉन में इसके अपॉन कुछ नहीं तो 1 तो हो गई बच्चों, तो मैं b और 1 का एलसीएम लूंगा, कितना आएगा बच्चों, b आएगा। अब एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, a स्क्वायर के अपॉन में b था, तो कोई जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की, कितना हो गया, a स्क्वायर y मिल गया हमें प्लस। अब बच्चों जो b के अपॉन में 1 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, b का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो गया, बी स्क्वायर वाई हो गया। इक्वल में क्या था, वो जैसा था वैसे चल रहा है, इक्वल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप अगर देखें यहाँ से वाई वाई कॉमन ले सकते हैं बच्चों, वाई जैसे कॉमन लिया तो क्या मिला हमें, ए स्क्वायर वाई हट गया तो ए स्क्वायर बचा, यहां से वाई चला गया तो कितना बचा, बी स्क्वायर, और प्लस में है तो प्लस, तो क्या वाई कॉमन लेने भी मिला बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर वाई। अब मैं कह रहा हूं जो उस तरफ लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, आप इस तरफ की वैल्यू डिवाइड कर, जो मैंने जो बी नंबर हमारा दिया गया बच्चों डिवाइड में दिया है, इसको उस तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आप कैंसिल कर सकते हो, वाई पर तो हमें क्या मिला, बी मिला। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में आप रख दो, जो हमने यहां पे निकाली हुई थी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो हमें बच्चों यहां से क्या मिलेगा, x इक्वल टू, नाउ वी गेट x नाउ फ्रॉम थर्ड, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड हमें मिला x इक्वल टू, हम क्या करने जा रहे हैं, y की वैल्यू रखेंगे, तो a अपॉन b तो लिखा ही है, उसके मल्टीप्लाई में कितना रखेंगे बच्चों, b, है ना, क्योंकि y की वैल्यू है, तो y की जगह पे b रख देंगे, तो b से b कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू हमारा आ गया a, तो हमने फाइनली आंसर बच्चों निकाली है, x इक्वल टू a और y इक्वल टू b, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। थैंक यू, नेक्स्ट मिलेंगे बच्चों अगले उसमें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए मेगा माइंड अकेडमी के लिए, ठीक है, थैंक यू।